गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम भी आपको सपोर्ट करते रहे। गाइस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहाज क्वारंटीन रूल बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो गया था। बहुत सारे लोगों ने इधर उधर बुकिंग्स मारनी शुरू कर दी, चाहे वो एक्सपेंसिव बुकिंग्स हों, चाहे वो गलत बुकिंग्स हों, गलत फ्लाइट्स करनी शुरू कर दी, गलत रूट्स चूज़ करने शुरू कर दिए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने बहुत लॉस खाया। गाइज हम लोगों के पास जिनका भी कॉल आ रहा था या हमसे कोई भी जो सजेशन ले रहा था, हम लोगों को बस यही बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा वेट करो। अगर आप बुकिंग करने वाले हो और आपको लग रहा है कि ये दोहा का रूट भी अब बंद हो गया है, बाकी रूट्स भी बंद हो रहे हैं, सिर्फ मालदीव्स रह गया है या अल्बानिया रह गया है, गाइज हड़बड़ाहटी में एक्सपेंसिव बुकिंग करने से बेटर या गलत बुकिंग करने से बेटर थोड़ा सा टाइम चीज़ें सेटल डाउन होने को देनी चाहिए। उसके बाद अपने आप समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या ऑप्शंस खुल सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं और क्या ऑप्शंस नहीं हैं। आज एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है हम लोगों के लिए, यूएई ने यूएई रेजिडेंट्स के लिए अभी डोर्स खोल दिए हैं अपने। इंडिया में जो भी यूएई रेजिडेंट्स अभी फंसे हुए हैं, दे कैन फ्लाई टू यूएई। उन लोगों को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है और उसके बाद भी 14 डेज कंप्लीट होने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो फ्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो दुबई नहीं एंटर कर सकते हैं। और इसमें एक और पॉजिटिव न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनको कैनेडा या यूएस से फ्लाई करना है। गाइस आप लोगों के लिए ये राउट शुरू हो सकता है अगर ये दुबई ट्रांजिट शुरू कर रहा है। हालांकि जितने भी आर्टिकल्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें यही लिखा है कि दुबई ट्रांजिट शुरू करेगा, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक हमें अपडेट नहीं मिला है, बट हाँ हो सकता है कि ये ट्रांजिट शुरू हो जाए क्योंकि ये ऑफिशियल ट्वीट है। अगर ये ट्रांजिट शुरू होता है तो कैनेडा जाने वालों के लिए फ़्लाइट्स की ऑप्शंस बढ़ सकती हैं। पहले हम लोग फ्लाई दुबई, एमिरेट्स या एहतियात नहीं यूज़ कर रहे थे, बट अभी हम लोग ये तीनों एयरलाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका मतलब ये है अगर हम इन एयरलाइंस को यूज़ कर पाएंगे तो हमारा कोट सस्ता जाएगा, तो आपको एक्सपेंसेस कम पड़ेंगे, आपकी फ़्लाइट्स जो है सस्ती होंगी। तो गाइस इस चीज़ पे ध्यान रखो, पर प्लीज़ ये चीज़ सुनने के बाद सीधा बुकिंग करने मत चले जाओ क्योंकि अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हमने एहतियात पर कॉल किया, हमने उनसे कन्फर्मेशन लेने की कोशिश की कि हम फ़्लाइट कर सकते हैं नहीं कर सकते। उनके हिसाब से अभी तक ये रूल ऑफिशियल उनके पास नहीं आया है। जब उनके पास पूरी ऑफिशियली गाइडलाइंस आ जाएंगी उसके बाद वो हमें बताएंगे कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो प्लीज अभी बुकिंग मत करना। गाइस कुछ लोगों के क्वेश्चन हमें आए थे कि अगर यूएई खुल रहा है तो क्या हम यूएई में ट्रांजिट लेके वहां पे आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के हम कनाडा फ्लाई कर सकते हैं। इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है क्योंकि अगर यूएई खुल रहा है तो वो रेजिडेंट्स के लिए खुल रहा है और ट्रांजिट के टाइम पे मैक्सिमम कंट्रीज आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं दे रही हैं, तो दुबई का भी चांसेस कम लग रहे हैं। बट स्टिल हमारी पूरी नज़र है उस पर, वी आर कीपिंग एन आई। और अगर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकलती है तो जिन लोगों को कनाडा फ्लाई करना है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से फ्लाई कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। यूएई खुलने का फ़ायदा सिर्फ यूएई वाले लोगों को नहीं होगा और भी बहुत लोगों को होने वाला है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, किसी को अगर अल्बेनिया फ्लाई करना है तो वहाँ पर भी दुबई के कैरियर्स चल रहे हैं, किसी को अगर माले टू कनाडा जाना था या माले टू यूएसए जाना था और वहाँ पे उनको फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव मिल रही थी, वहाँ पे भी दुबई के कैरियर्स हैं जहाँ पे फ़्लाइट सस्ती हो सकती है जो हम पहले नहीं ले पा रहे थे। तो दुबई के कैरियर्स अपने को ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल रहे हैं, इंडिया से भी मिल रहे हैं और हमारी आगे जो थर्ड कंट्री है वहाँ से भी मिल रहे हैं। चीज़ पे ध्यान रखो, प्लीज़ अभी बुकिंग मत करो क्योंकि बुकिंग करना अभी रिस्की हो सकता है। पहले पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने दो, फिर उस पर बुकिंग करते हैं और मैं आपको अपनी तरफ से अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। हमारी टीम पूरा दिन लगी है, पूरी रात लगे हैं, हम लोगों को कोई अपडेट आती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है या कुछ नेगेटिव चीज़ भी नज़र आती है तो हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ। गाइस प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स लॉट।